मुख्यमंत्री आज सुबह अचानक रिज मैदान पर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के लिए जगह का चयन किया। बीते रोज कैबिनेट की बैठक में अटल की प्रतिमा को रिज मैदान पर लगाने के लिए फैसला किया गया है। उसके बाद आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं रिज मैदान पर पहुंचकर जगह का चयन किया। यदि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर के सामने अटल जी की मूर्ति लगेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके देहांत के बाद प्रदेश सरकार ने रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा लगाने का फैसला किया था, जिसको कि बीते रोज हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है और जल्द ही रिज मैदान पर अटल जी की मूर्ति लगाई जाएगी। एक हमारी एक कमिटमेंट है कि अटल जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हिमाचल से बहुत जुड़े हुए रहे और उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। पिछली बार हमने उनके निधन के पश्चात एक निर्णय लिया कैबिनेट में कि हम शिमला की रिज पर या माल रोड के पर जहाँ उचित स्थान मिलेगा वहाँ पर एक भव्य स्टैचू उनकी बनाएंगे। तो साइट को लेकर के थोड़ा सा इस बात को लेकर के हम निर्णय नहीं कर पाए थे, आज हमने मुआयना किया है और जो हमारे PW डिपार्टमेंट के और उसके साथ उनके साथ में जो जियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर सारे यहाँ पर कहाँ बनाया जा सकता है उसका हमने एक मुआयना किया है माननीय मंत्री जी के साथ और यहाँ पर कॉरपोरेशन के सभी मेयर डिप्टी मेयर उनके साथ और उचित स्थान जो हमने देखा है उसको उस सारी रिपोर्ट बनाने के लिए हमने बताया है और इसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे किया जा सकता है जिसके कारण हमारा ये रिज का ये बड़ा पोर्शन जो है उसको भी स्टेबलाइज किया जा सके और स्टेबलाइज करने के साथ साथ में इसकी शेप भी और अच्छी हो और चौड़ी हो उसके लिए भी एक साथ में प्लान कर सकें। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट जैसे बन करके तैयार बना करके ले आएंगे उसके मुताबिक काम करेंगे। थैंक यू। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।